हे हाय फ्रेंड्स। सो एलएनटी का एक वीडियो बनाया था हमने, जिसमें हमने बोला था कि कुछ गुड न्यूज आ रही है फॉर एलएनटी शेयर होल्डर्स। एक स्पेशल डिविडेंड आ सकता है। द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट डिविडेंड, मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था वो बिटवीन 40 to 50 rupees पर शेयर किया था, बट एक्चुअली जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है वो हार्डली 18 rupees पर शेयर दिया है। जिस तरीके का एक एक्सेप्शनल आइटम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें नजर आ रहा है, जो एक गेन हुआ है अराउंड 10,000 crore rupees का फ्रॉम द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेशन डिवीजन टू श्नाइडर इलेक्ट्रिक, तो उसमें से एक अच्छा खासा डिविडेंड एक्सपेक्टेशन मार्केट ने सेट किया था फॉर शेयर होल्डर्स, बट वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो इट मीन्स कंपनी वॉन्ट्स टू हैव दैट एक्स्ट्रा लिक्विडिटी विद देम। तो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज बहुत सारे जो ऑपरेशन है वो अभी भी हेम्पर्ड है। कंसोलिडेटेड ग्रॉस रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर द रेवेन्यूज आर डाउन बाय 12%। अगर ये एक्सेप्शनल आइटम जो सेल ऑफ अ डिविजन से आया है, अगर उसे हम निकाल देते हैं तो 1410 crore rupees का नेट प्रॉफिट हुआ है एलएनटी का, विच इज 45% डाउन कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो इसके पीछे के रीजंस मेजरली ये जो पैंडेमिक के बाद वाली सिचुएशन हुई है, तो वहां पे भी नॉर्मल से आने में टाइम लग रहा है। हायर क्रेडिट प्रोविजंस इन देयर फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड उनका जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हैदराबाद मेट्रो कंसेशन का, तो वहां पे भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं। और एक डर मार्केट को वही था कि भाई कहीं ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो कंपनी हैदराबाद के मेट्रो प्रोजेक्ट में ना वापस इन्वेस्ट कर दे। शायद अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है कंपनी ने कि वहां जाके वो इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज देयर इज ऑल्सो 8,000 crore rupees की रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी की जरूरत है। ऑलरेडी 15,000 crore rupees का डेट है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये सारी चीजें देख के मार्केट को ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, एंड दैट्स वाई टुडे द स्टॉक इज डाउन बाय 5%। अब लॉन्ग टर्म एवरेजेस हम देखेंगे, अगर लॉन्ग टर्म पी रेशियो, जो मीडियम पी रेशियो लेवल्स देखेंगे या फिर प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे, तो अराउंड 30 to 40% डिस्काउंट पे ये कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो भी बहुत ज्यादा इंकरेजिंग अभी भी वैसी नजर नहीं आ रही है। मतलब मैनेजमेंट भी बोल रहा है कि प्राइवेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट्स है, आई थिंक उसको और 2 साल लग सकते हैं। मतलब इन अ वे, बिकॉज एलएनटी इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी, दो पब्लिक लिमिटेड, बट इट्स अ प्राइवेट, मतलब ऐसा कोई पीएससी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जहां पे गवर्नमेंट कुछ करेगा और वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। सो प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट्स अभी भी आई थिंक इट कैन टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू कम, एटलीस्ट 1 or 2 years। सो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी पॉजिटिव, कि ऐसा नहीं कि जो ट्रेंड है उसको ब्रेक करके कंपनी इज सेइंग कि नहीं नहीं वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी एंड ऑल दोस थिंग्स, सो इट इज नॉट हैपनिंग। अगर ऑर्डर्स की हम बात करते हैं तो 28,000 crore rupees के ऑर्डर्स Q2 में कंपनी को मिले, एलएनटी को मिले हैं। अगर ईयर ऑन ईयर ये नंबर देखा जाएगा तो 42% से यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है ऑन दिस ऑर्डर जो विन कर हुए थे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में उसके कंपेरिजन में। कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक की अगर हम बात करते हैं तो 2.98 lakh crore rupees के कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। दो सितंबर महीने के बाद ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को अवार्ड हुआ है, 25,000 crore rupees का ये प्रोजेक्ट है, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। ये कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होते हैं, आई थिंक इट कैन टेक इट्स स्वीट टाइम। सो वी डू नॉट नो कि सही में मतलब ऑर्डर बुक तो आपको दिखेगी कि भाई, अगर पुरानी भी ऑर्डर बुक्स हम देखेंगे तो वी हैव सीन जो ऑर्डर बुक्स ऊपर, मतलब मोर देन 3 lakh crore rupees के ऑर्डर बुक्स ऑलरेडी हमने देखे हुए हैं एलएनटी के लिए, और कंसिस्टेंट बेसिस पे ऑर्डर इनफ्लो बढ़ता जा रहा था कंपनी के लिए। एक ऐसा समय था Q3 FY20 में जब कंपनी को Q2 Q3 में मोर देन 40, 45,000, 48,000, इवन 50,000 crore प्लस के भी ऑर्डर्स हर क्वार्टर में मिलते थे। बट नाउ आई थिंक लुकिंग एट द करंट सिनारियो इट कैन टेक लिटिल टाइम। सो ये जो चीजें हैं ये शायद थोड़ी सी स्टॉक पे हेवी हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई ये डाउनसाइड का जो प्ले हो रहा है एलएनटी स्टॉक का, या फिर ये जो कंसोलिडेशन मूव चल रहा है एलएनटी में, ये इट कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इट लुक्स वेरी प्रॉफिटेबल, बिकॉज लुकिंग एट द ऑर्डर साइज, मतलब उनकी जो बैकलॉग है, ऑर्डर का बैकलॉग है, आई थिंक दिस इज फेनोमिनल।
मोर देन ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपीज के ऑर्डर से. तो विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे कि भाई ओवरऑल रिवेन्यू विजिबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक इट इज फेनोमिनल. मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 years के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इनके हैंड में है. तो अर्निंग विजिबिलिटी, रेवेन्यू विजिबिलिटी, अर्निंग विजिबिलिटी के लिए ऑब्वियसली थोड़ी सी नॉर्मल सी प्रॉपरली आनी चाहिए. तो अर्निंग विजिबिलिटी तो मिल जाएगी और उसमें ग्रोथ की विजिबिलिटी भी वहां पे दिख सकती है. तो ये जब तक ये सारी सिचुएशंस नॉर्मलाइज होती भी नजर नहीं आ रही, आई थिंक ये ओवरहैंग स्टॉक पे चल सकता है. बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली यू कैन आस्क योर एडवाइजर्स एंड टेक दोज इन्वेस्टमेंट कॉल्स. इफ यू फील कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो जरूर हमारी वेबसाइट investment.in को विजिट कीजिएगा दोस्तों. और वहां पे हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज है या फिर स्टॉकोमीटर प्लस, ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे मोर देन 100 कंपनीज की रेटिंग हमने की है, बहुत सारे डिटेल्ड एनालिसिस वहां पे अपलोडेड है, वीडियोस अपलोडेड है, ई बुक्स अपलोडेड है. या फिर आपको अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में काफी इंटरेस्ट है तो MFA जो हमारा म्यूचुअल फंड रिव्यू का प्रोडक्ट है, जहां पे मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को एवरी मंथ हम रिव्यू करते हैं और रेटिंग्स भी देते हैं. ये सारी चीजें आपको आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, मैनेजमेंट में काफी काम आ सकती है. तो जरूर investedna.in को विजिट कीजिएगा. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. आप हमें ईमेल लिख सकते हो या फिर हमें कॉल भी कर सकते हो. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दोज फ्रंट्स ऑल्सो. ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों.